Hello dear children, today in English class we are going to read some words from your English book. Your English book is ready to read, so get ready to read. Here is chapter 1, alphabet, capital letters. जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टू टाइप्स के लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स. हियर यू कैन सी द कैपिटल लेटर्स एंड वन वन वर्ड एंड देयर पिक्चर्स. तो आज हम लोग लेटर्स से वर्ड पढ़ेंगे और पिक्चर को देख के वन वन सेंटेंस भी बोलते जाएंगे. सो लेट स्टार्ट. ए फॉर एप्पल, एप्पल इज रेड. बी फॉर बेबी, ही इज अ बेबी. C for cat, the cat chases mouse. बिल्ली चूहे का पीछा करती है. D for dog, the dog guards our house. E for elephant, elephant has a long trunk. Elephant की लंबी सूंड होती है. F for fan, fan gives us cool air. G for goat, goat eats grass. बकरी क्या खाती है? घास खाती है. H for horse, horse is an animal. I for insect, यहाँ पे देखिए कई सारे इंसेक्ट हैं, तो हो जाएगा insects, है ना, S लगा है, बहुत सारे. These are insects. J for joker, joker makes fun. K for kite, kite is yellow. L for lion, the lion is the king of jungle. Now, here we come letter M. M for monkey. The monkey is on the tree. बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पे. N for nest. Bird lives in nest. O for orange. Orange is shower. Orange खट्टा है. P for peacock. Peacock is our national bird. Q for quill. Quill means pink. Quill is soft. R for rose. Rose is the king of flowers. S for soap. We bath with the soap. T for tomato, tomato is red. U for umbrella, I have an umbrella. मेरे पास एक छाता है. V for vase, vase means फूलदान. इसमें क्या करते हैं हम लोग? फूल रखते हैं ना, आपके घर में भी होगा. The flowers are in the vase. W for whistle, whistle means city. Whistle is a toy. X for Xmas tree, Xmas tree is beautiful. Y for yacht, yacht is in the river. Yacht means पाल वाली नाव, ये हमें नदी में दिखती है. River means नदी. Z for zebra, zebra is running. देखिए यहाँ zebra क्या कर रहा है? Run कर रहा है, दौड़ रहा है. The zebra is running. तो आज आपको भी इसी तरह से सुंदर से सारे words को पहचानना है और फिर सारे sentences को repeat कर लेना है. वर्ड्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 में आपके लिए एक एक्सरसाइज है. सी द पिक्चर, पिक्चर को देखिए. राइट द लेटर विथ ईच इट बिगिंस. और पिक्चर आपको पहचान के ये पता कर लेना है कि ये पिक्चर कौन से लेटर से होगा, है ना. अभी हमने वर्ड्स पढ़ा है, तो आपको पिक्चर पहचान के पता कर लेना है कि ये पिक्चर कौन से वर्ड से स्टार्ट होगा, और फिर हमें उस वर्ड को सुंदर से लिख लेना है. और जो क्रॉस द अदर लेटर, और फिर जो दूसरा लेटर है उसको क्रॉस कर देना है. जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये किसका पिक्चर है? डॉग. डॉग किससे होता है? हमने अभी पढ़ा डी फॉर डॉग. तो यहाँ पे आपको इस डॉटेड लाइन को सुंदर से कंप्लीट करके डी लिखना है, डी फॉर डॉग. अब सी को हम लोग क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, ठीक है. अभी इस तरह देखिए, नेक्स्ट है काइट. तो काइट किससे होगा? के से. के फॉर काइट. तो यहाँ सुंदर से हम लोग डॉटेड लाइन पर के लिखेंगे और एम को क्या कर देंगे? सुंदर से क्रॉस कर देंगे. आपको इसी तरह बाकी पिक्चर्स को पहचान लेना है और करेक्ट लेटर को डॉटेड लाइन मिलाकर लिख लेना है, और जो अदर लेटर है उसको क्रॉस कर देना है.